उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए बवाल को लेकर अब विपक्षी पार्टी अब सरकार को घेरने में लगी है, जिसको लेकर शिवपाल सिंह यादव लखीमपुर खीरी जाने वाले थे, लेकिन लखनऊ पुलिस ने शिवपाल सिंह को पहले ही हिरासत में ले लिया। लखनऊ पुलिस फिलहाल शिवपाल यादव को पुलिस लाइन लेकर आई। शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि रविवार को किसानों की जो हत्या हुई है उसके लिए वे मौके पर जाना चाह रहे थे। शिवपाल यादव ने कहा कि परिजनों से मिलकर उनको शोक संवेदना देना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको रात में ही हाउस अरेस्ट कर दिया था। इसके बाद हम सुबह किसी तरह पुलिस को चकमा देकर निकले तो पुलिस ने इंजीनियर कॉलेज पर उन्हें हिरासत में ले लिया। शिवपाल सिंह यादव ने सरकार से मांग की है कि गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए और राज्य मंत्री के बेटे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। वहीं जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। मौत के बाद लखनऊ में भी प्रदर्शन जारी हो गया है, ऐसे में शिवपाल यादव भी जो प्रदर्शन करने जा रहे थे उन्हें पुलिस ने रोक दिया, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप प्रदर्शन करने जा रहे थे, आपको रोक लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? कल जो लखीमपुर खीरी में किसानों की जो हत्या हुई है तो हम वहाँ मौके पर जाना चाह रहे थे, शोक संवेदना देना चाह रहे थे, हालचाल लेने जाना चाह रहे थे उनके परिवार के लोगों से, लेकिन मुझे तो रात को ही हाउस अरेस्ट कर लिया। किसी तरीके से हम सुबह पुलिस को चकमा दे करके निकले तो हमें इंजीनियरिंग कॉलेज पर गिरफ्तार कर लिया है। तो पहली तो हमारी मांग है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। दूसरी हमारी मांग है उनके बेटे जिन्होंने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई हैं जिससे मौत हुई है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जितने भी किसान की हत्याएं हुई हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपया और परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी। तीसरा हमारा जो किसान विरोधी कानून है जिसकी वजह से 10 महीना से किसान धरने पर बैठा हुआ है, तो ये जो किसान विरोधी काला कानून है उसको वापस लिया जाए, न्यायिक के फिर न्यायिक जांच हो पाए, फिर जितने भी इसमें प्रशासनिक अधिकारी पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।